तो आज हम देखेंगे द दे स्टोरी ऑफ क्रिकेट की समरी इस कहानी में हमें क्रिकेट स्पोर्ट के बारे में बताया गया है तो जो क्रिकेट का गेम था वो आज से लगभग 500 साल पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था और जो बैट शब्द का मीनिंग हुआ करता था वो था स्टेक या क्लब सेवनटीन शताब्दी तक जो खेल था क्रिकेट का उसने एक अपनी अलग पहचान बना ली थी और अट्ठारहवीं शताब्दी के बीच जो बैट की शेप हुआ करती थी वो लगभग हॉकी स्टिक की तरह हो चुकी थी इसी की वजह थी कि जो बॉलर्स थे वो अंडर आर्म बॉलिंग कराया करते थे इसमें क्या होता है कि बॉल जो होती है वो कमर के नीचे ग्राउंड से लग कर कराई जाती है इसी के साथ जो बैट्समैन थे उनको अच्छे से कॉन्टैक्ट बनाना भी आ गया था क्रिकेट का जो खेल था उसकी एक असामान्य बात यह थी कि इसमें एक टेस्ट मैच हुआ करता था जो कि पाँच दिनों तक चला करता था जो कि कभी कभी ड्रॉ भी हुआ जाया करता था जो कि दूसरे खेलों में इतना समय नहीं लगता था तो ये अजीब बात थी पूरा होने में जैसे फुटबॉल का जो गेम हुआ करता था उसमें सिर्फ डेढ़ घंटा लगता है ख़त्म होने में वहीं अगर बेसबॉल की बात करें तो जितने भी क्रिकेट के लिमिटेड ओवर होते हैं उससे आधा समय लगता है बेसबॉल के मैच में तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसबॉल छोटा वर्जन है मॉडर्न क्रिकेट का वहीं इसके कुछ रोचक विशेषताएं भी हैं जैसे जो लेंथ होगी वो हमारी पिच की वो बाईस यार्ड्स होगी लेकिन ग्राउंड की कोई भी साइज़ या शेप नहीं हुआ करती थी पहले के टाइम में वहीं फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में हर चीज़ का डायमेंशन होता है मतलब शेप साइज कलर क्या क्या होगा सब कुछ बताया जाया करता था क्रिकेट के हर विचित्र जितने भी ये रूल्स थे या बातें थी वो उनके कुछ ना कुछ ऐतिहासिक कारण थे लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट में मॉडर्नाइजेशन आने लगा मतलब मॉडर्न होने लगा तो इसके भी कुछ रूल आने लगे पहली बार क्रिकेट के जो रूल थे वो सेवनटीन फोर्टी फोर में आए थे जैसे कि इसमें दो एम्पायर होंगे स्टम्प्स के बीच में बाईस इंच की दूरी होगी और स्टम्प्स की जो ऊंचाई होगी वो बाईस इंच की होगी पहला जो क्रिकेट क्लब बना था वो सेवनटीन सिक्सटीज़ में हम्बल्डन में बनाया था और जो मैरिल बोन था क्रिकेट क्लब वो 1787 में बना था तो ये पता चलता है कि 1760 से लेके 1770 तक ये पता लगाया गया कि जो गेंद होगी ना हमारी वो हवा के द्वारा फेंकी जाएगी ना कि ग्राउंड पर रेंग कर तो इससे बॉलर्स और जो बैट्समैन थे वो दोनों को नया तरीका मिला कि हमें किस तरीके से बॉल करानी चाहिए और हमें बैट्समैन को पता चला हमें किस तरीके से अपनी टेक्निक्स बदलनी चाहिए इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि जो बैट्स थे वो हमारे स्ट्रेट हो गए और साथ ही उनकी जो चौड़ाई थी वो चार इंच कर दी गई और वहीं बॉल का वज़न भी हमें बताया गया है वहीं 1774 में फ़र्स्ट लेग बिफोर लो एल बी डब्ल्यू लाया गया तो आप देखोगे कि जो हमारे गेम्स के इक्विपमेंट थे वो काफ़ी हद तक बदल चुके थे जो कि नेचुरल चीज़ों से बने हुए थे आज भी बैट और बॉल है वो हैंडमेड बने होते हैं ना कि इंडस्ट्री से अब बैट को हमने यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है नीचे का हिस्सा जो कि ब्लेड कहलाता है वह विल्लो ट्री से बना होता है और हैंडल जो होता है ऊपर का वो केन ट्री से बना होता है लेकिन जब हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो एटीन में पैड्स बनाए गए और साथ ही फिर ग्लव्स का भी यूज़ होने लगा मॉडर्न क्रिकेट में लेकिन अगर हम बात करें कि क्रिकेट जो भारत में आया गया और कहाँ पे आया गया वो था बॉम्बे में जो कि भारतीय कम्युनिटी के द्वारा लाया गया पारसीज़ के द्वारा भारत का पहला ओरिएंटल क्रिकेट क्लब 1848 में खोला गया जो कि जो पारसीज थे बड़े बड़े व्यापारी उनके द्वारा फंड किया जाता था कभी कभार जो वाइट ओनी क्लब थे जो कि सिर्फ अंग्रेज़ों के थे और जो बॉम्बे जिम खाना थे की लड़ाई हो जाती थी पारसीज क्रिकेटर से क्योंकि जो पब्लिक पार्क थे उनका यूज़ कौन करेगा क्रिकेट खेलने के लिए तो इस बात पे उनका डिस्प्यूट होया करता था जिसके बाद जो पारसीज थे उन्होंने अपना खुद का जिम खाना बना लिया जिम खाना एक जगह हुआ करती थी पहले के टाइम में जहाँ पर गेम्स हुआ करते थे तो जिम बॉम्बे जिम खाना और जो पारसीज़ का जिम खाना था उनके बीच में क्रिकेट के लिए एक गेम हुआ जिसमें पारसीज तो थे वो जीत गए थे 1889 में इसी के चार साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी जिसमें एक पारसी महान नेता उभरे जिनका नाम था दादा भाई नरोजे जो मॉडर्न क्रिकेट था वो अब दो तरीके से खेला जाने लगा पहला टेस्ट दूसरा ओ वनडे इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं जिसमें दो नेशनल टीम खेलती हैं तो जो हमारे प्लेयर जो फेमस हुए वो आज भी फैंस की यादों में हैं जिन्होंने अपने देश के लिए खेला जिसमें से जो सी के नायडू हैं वो काफ़ी फेमस हुए क्यों क्योंकि वो जो हमारी टेस्ट जो खेला था 1932 में हमने इंग्लैंड के खिलाफ उसमें पहले इंडिया के फर्स्ट टेस्ट के कैप्टन बने इनके साथ ही जो इनके दूसरे आ, मेंबर्स थे जो जिन्होंने गेम खेला जैसे पलवंकर विट्ठल और पलवंकर बालू उनको इतना याद नहीं रखा गया तो जो इंडिया थी उसने 1932 में क्रिकेट जो खेलना शुरू करा वो भी टेस्ट वाला इसी के पंद्रह साल बाद हमारा जो देश था वो आज़ाद हो गया लेकिन एटीन सेवन में जो क्रिकेट खेला जाता था टेस्ट का वो ब्रिटिश एम्पायर में ही अलग अलग पार्ट्स में खेला जाता था ना कि दो नेशनल टीमों के बीच तो जो पहला टेस्ट हुआ था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और साथ ही जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी कैरेबियन की उस उन्होंने एक वेस्ट इंडीज़ नाम की अपनी टीम अब देखते हैं टेलीविज़न का क्या प्रभाव पड़ा क्रिकेट पे जो टेलीविज़न था उसने क्रिकेट का गेम बिल्कुल ही लगभग चेंज कर दिया कैसे उसमें एकदम बदलाव आ गया ऑडियंस जो थी हमारी क्रिकेट की वो अब बड़ी हो गई थी क्योंकि हर गांव में हर शहर में क्रिकेट देखा जा रहा था और आज छोटा सा छोटा बच्चा अपने क्रिकेट के हीरो को देखकर उन्हें इमिटिएट करने लगा था साथ ही टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी कहीं का भी मैच टीवी के द्वारा देख सकता था तो अब जो क्रिकेट था वो हमारा ग्लोबल मार्केट बन गया था साथ ही जो हमारा क्वार्टर है आईसीसी का क्रिकेट का वो अब दुबई में है तो हम बोल सकते हैं कि आज से डेढ़ सौ साल पहले जब पारसीज के द्वारा क्रिकेट खेला जाता था तब तो उस टाइम में भी हमें बहुत स्ट्रगल करने पड़े थे लेकिन अब जो क्रिकेट है वो एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है साथ ही ये लोगों को फेमस होने बे तो मदद करता है क्योंकि उनका गेम इतना हो जाता है कि लोग फेमस तो ही जाते हैं साथ ही उनको खेलने के लिए पैसा भी मिलता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ओ है उसने टेस्ट क्रिकेट को भी पीछे कर दिया है पॉपुलैरिटी के मामले में और यह जो चेंज आए वो असाधारण है क्योंकि यह अब ग्लोबल शुरुआत हो चुकी है इसकी